तो आज की इस हेल्थ वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, सर्दी में तिल का सेवन देगा आपके शरीर को डबल ऊर्जा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तिल के फायदे तो इस वीडियो को जरूर देखें। पर इससे पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस डेली देख सकें। सर्दी के मौसम में खान पान का खास ध्यान रखना पड़ता है। सर्दी में आपको ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती रहे। नंबर 1, रोजाना सुबह काले तिल को अच्छी तरह चबा कर खाने से दांत मसूड़े स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। इसमें सेंधा नमक मिलाकर खाने से आपके मुंह के छाले भी दूर हो जाएंगे। नंबर 2, सर्दी के मौसम में तिल में काला नमक मिलाकर गर्म पानी के साथ खाने से बवासीर की समस्या दूर हो जाती है। तो रोजाना तिल को गुड़ के साथ या इसके लड्डू को दूध के साथ खाने से सांस फूलना, थकावट, मानसिक परेशानी और बालों के झड़ने की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 3, सुबह तिल के लड्डू का सेवन करने से आपकी चर्बी तो कम होती ही है, साथ ही इससे दिमाग भी तेज होता है। तो रोजाना 20 से 25 ग्राम तिल गर्म पानी के साथ खाने से आपका पेट दर्द और इन्फेक्शन की समस्या मिनटों में दूर हो जाएगी। इसके अलावा इसे आप भुने गुड़ या चीनी के साथ खाने से कब्ज भी दूर हो जाती है। नंबर 4, तिल में देसी घी मिलाकर सुबह खाने से शरीर में खून की कमी पूरी हो जाती है और इससे पूरा दिन शरीर को एनर्जी भी मिलती है। तिल, सोंठ, मेथी और अश्वगंधा को मिलाकर खाने से आर्थराइटिस, कमर दर्द, पीठ दर्द और यूरिन इन्फेक्शन की समस्या ठीक हो जाती है। तो आज की इस हेल्थ वीडियो में हमने जाना कि सर्दी में तिल का सेवन कैसे देगा आपके शरीर को डबल ऊर्जा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।